अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। आज हम आपको योक वाली मैक्सी बताएंगे जो मीडियम साइज़ की होगी। सबसे पहले हम कपड़ा लेंगे। हमने टिशू का कपड़ा लिया है, आपकी मर्ज़ी है आप टिशू ले लें या ऑर्गेन्जा ले लें या नेट ले लें। हमने टिशू का कपड़ा लिया है, हमने इसके चार टाइम लगा ली हैं। अब हम इसकी लेंथ करेंगे। हमने इसकी टोटल लेंथ जो ली है वो 44 है, आप देख सकते हैं। चौड़ाई जो है चढ़ाई जो है वो हमने तकरीबन टोटल 56 है और हाफ पे 28 आ रहा है। हाफ पे 28 है क्योंकि हमने कपड़े को तय कर, हमने चार तय लगाई हुई है, इसको फोल्ड किया हुआ है कपड़े को। हम कपड़े की कटिंग करेंगे, इधर से इक्वल करके इसकी शेप देंगे नीचे से। बिस्मिल्लाह, हम इधर से भी कटिंग कर लेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। ये हमने फोल की कटिंग कर ली है। अब हम योक की कटिंग करेंगे। इधर इस जगह पे हम प्लेट डालेंगे, योक भी एडजस्ट करेंगे। इधर पहले हम योक की कटिंग करेंगे। हमने ये कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई तकरीबन की लंबाई करेंगे 51 तकरीबन इसकी लंबाई है। ये हम फ्रंट वाला योक का हिस्सा बना रहे हैं, यहाँ पे हम इस साइड पे हम प्लेट डालेंगे। हम इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करके निशान लगाएंगे क्योंकि ये टिशू का कपड़ा है, तो इसलिए हम इसको प्रेस कर करके प्लेट्स डालेंगे। डाल ली हैं, अब हम इसी तरह आगे पूरी लाइन पे ऐसी प्लेट डालेंगे और इसको प्रेस करते जाएंगे। हमने ये सारी योक पे प्लेट डाल ली हैं, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। योक की शोल्डर की कटिंग करेंगे और तीरे की। ये बैक साइड है इसकी और ये नीचे हमने स्लिप लगानी है, जो इसका भी इक्वल हमने कटिंग कर ली है। अब इसकी हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। हमें जो तीरा चाहिए वो तकरीबन 17 है, इसलिए हम 17 पे निशान लगाएंगे। इंच की चौड़ाई है। हम ये शोल्डर का निशान लगा रहे हैं, तकरीबन 9 से 9.5 इंच का है। अब हम कटिंग करेंगे इसकी। हमने इसकी नीचे वाली लाइनिंग जो है वो अटैच कर ली है। अब हम नीचे वाली फोल्ड पे प्लेट डालेंगे और इसको अटैच करेंगे। हम नीचे वाली लाइनिंग पे प्लेट बना रहे हैं, थोड़े थोड़े से फासले पे। ऊपर वाली फोल्ड को अलग से प्लेट डालेंगे। इसी तरह हम आगे पीछे वाली लाइनिंग पे प्लेट डाल लेंगे ऐसी। नीचे वाली लाइनिंग पे प्लेट डाल के इनको दोनों को अटैच करके सिलाई लगा लिया। अब हम नीचे वाली फोल्ड को सिलाई करें। हम ये ऊपर वाली फोल्ड जो टिशू का है हम उस पर हाथ के प्लेट डालेंगे, थोड़े थोड़े से फासले पे ऐसे प्लेट डालते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। ये प्लेट्स नज़र आ रहे हैं, इसी तरह हम आगे वाली फोल्ड पे भी और पीछे वाली फोल्ड पे भी इसी तरह सारे प्लेट्स डालेंगे और टोटल इसको तैयार। हमने नीचे वाली फोल्ड पे भी प्लेट्स डाले हैं और ऊपर वाली भी, अब दोनों को अटैच कर रहे हैं।
दोनों बॉल को अटैच कर लिए। अब हम योक की लगाएंगे, बॉल को अटैच करेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह फ्रंट को भी इसी तरह इसके साथ अटैच करेंगे फ्रंट योक को। चलो पिछड़ा है ना वहाँ पर, मैं इसको निशान भी ऊपर ला रही हूँ क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है ना। हमने फ्रंट की योक जो है फॉल के साथ अटैच कर लिया। अब हम गला बना शोल्डर से फिटिंग की स्टाइल लगा के अब अंदर वाली फॉल को दूसरी अंदर वाली फॉल से अटैच करके स्टाइल लगाएंगे। लाइनिंग को हम छोड़ देंगे, उसकी सिलाई हम बाद में लगाएंगे। हमने अंदर वाली फॉल को अटैच कर लिया, स्टाइल लगा लिया। अब हम इसको अंदर के रूप में करेंगे, अंदर की तरफ करके और लाइनिंग को बाहर करके इसकी सिलाई लगाएंगे। हम ये ख्याल करेंगे कि अंदर वाली जो फोल जो हमने सिलाई लगाई है वो बाहर की तरफ सिलाई में ना आए। जरा हम फिटिंग की सिलाई दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे। अब इसी तरह हम दूसरी तरफ दूसरी फोल को अटैच करके सिलाई लगाएंगे अंदर की तरफ। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने बाजू अटैच किए हैं। गला बेशेप हमने बनाया, उसके ऊपर हमने लैस जो है वो यूज़ की है। आप भी कोई सी डिज़ाइनिंग वाली लैस यूज़ कर सकते हैं। बाजू की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और गले की जो वीडियो है वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी। इसी तरह हमारा फ्रॉक जो है वो मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह ताला हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह।